और कुछ भी नहीं महाराज। साथ में रहो। 27 साल से महाराज यहाँ पे सिर्फ चाय पीते हैं, तो बहुत ही आश्चर्य हूँ कि सोचिए 27 साल से मतलब नमक नहीं खाते हैं, मतलब सिर्फ महाराज महाराज की क्या महाराज आपकी भोजन में जैसे कि आप कुछ भी नहीं चाय और पीते हैं, चिलम पीते हैं। अच्छा, चाय और चिलम। कोई आ गया फल फूल जाए तो फूल नहीं कि सब खा जाए फल। हाँ, एक तो खाते हैं तो मान चलो बुरा पेट भर गया है। अच्छा, एक फल खा लिए तो पूरा पेट। इतना काफी घिचिर पिचिर भाई की समझ में ही नहीं आ रहा कि वीडियो क्या बनाऊं, इसलिए आज सोच रहा हूँ कि चलूं, इच्छा नहीं हो पा रही है बहुत। काफी जो है कि दिखाया मैंने आपको ना अस्सी घाट है, बहुत काफी किचिर पिचिर है। तो आइए चलते हैं 80 घाट के उस दुकान पे जहाँ पे बढ़िया एक रेस्टोरेंट है और आप आकर यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं। तो आइए चलते हैं उसी पे और आपको भी दिखाते हैं जो खाते हैं। यहाँ पे आज खाऊंगा छोला भटूरा और उसके पहले भी मैं खा चुका हूँ, बट इनके छोले भटूरे में ये है कि ये क्वालिटी देते हैं और क्वांटिटी भी देते हैं और बढ़िया लगता है। तो इसलिए जानते हैं जहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी मिलता है ना तो ऑटोमेटिक इंसान वहाँ पे दोबारा जाना चाहता है। निकला तो था खाने के लिए लेकिन बंद पड़ा था, पॉसिबल ही नहीं हो पाया खाने जाने का। चलिए कोई बात नहीं, अगले बार। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, होटल बनारस हवेली, आओ कभी हवेली पे। ये जो शब्द जनरेट हुआ था वो यहीं से जनरेट हुआ था। जब मैं BSc कर रहा था तो मेरे जो क्लासमेट्स हुआ करते थे BSc में, तो वो सब कहते थे आओ कभी हवेली पे। तो हमको बड़ा जो है कि आश्चर्य होता था कि कहना क्या चाहते हैं, बट अब समझ में आया, अब नहीं बहुत पहले ही, कि जब यहाँ लिखा हुआ देखा कि आओ कभी हवेली पे। 80 घाट में इतना काफ़ी किचिर पिचिर था जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ा। तो अब निकलूँगा घर की तरफ, वीडियो शूट करने के लिए आया था लेकिन समझ में ही नहीं आया क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, इसलिए अब जो है कि घर निकलेंगे। इधर ये रोड चली जाती है, अब कहाँ जाती है आप बताएं। ठीक है, ये है 80 घाट की तरफ जाने का रास्ता और ये है मतलब इधर से आप गदौलिया जा सकते हैं और इधर से आप जो है कि लंका। तो हम जाएंगे लंका की तरफ। सोचिए मॉर्निंग के हो रहे हैं 8 और इतनी काफ़ी गर्मी है कि हालत ख़राब हो रखी है। और यहाँ पे देखिए जिस एरिया में मैं हूँ 80 घाट के, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अभी जिस एरिया में मैं हूँ तो यहाँ पर बहुत सारा जो है रेस्टोरेंट, जैसे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कोची कॉर्नर कैफ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोची कॉर्नर कैफ। ये है अंगीठी, ये अंगीठी रेस्टोरेंट। आइए चलते हैं लंका की तरफ मज़ा लेते हुए, बट आज का दिन कुछ खास नहीं रहा। यहाँ पे एक पार्क है, कौन सा पार्क है पता नहीं और पता करने भी नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ खास लग नहीं रहा है पार्क, बस ठीक ठाक है, नॉर्मल सा है लंका की तरफ। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक दुकान पड़ती है, उसका दुकान का नाम है सियाराम डेयरी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समोसा मिलता है, 15 की समोसा आती है जो कि आपको कूपन कटवाना होता है। और समोसा का खूबी मालूम है क्या है, क्या उस समोसा में डिफरेंस है, डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट ये है कि उस समोसे की जो साइज होती है वो लगभग नॉर्मल समोसा जो दिखता है उसका 2 या 3 गुना होता है। तो ये बस डिफरेंस है, लेकिन स्वाद कुछ खास नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट एक है, तो कभी यहाँ भी आऊँगा। यहाँ भी एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, अगर 80 घाट पे अगर आना चाहे तो। इस प्लेस का नाम तो नहीं पता मुझे, बट लंका की तरफ जा रहा हूँ 80 से, आप जिस इधर से आया हूँ मैं, तो आप उधर जब आगे बढ़ेंगे तो इस रोड पे आप कुछ खा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए है काशी मुमुच्छू भवन, काशी मुमुच्छू भवन है ये। ये देखिए लंका जाने का मार्ग तो एकदम ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत गड्ढी गुड्ढा है, साफ सुथरा भी है, साफ सफाई भी है। अभी 8 बज रहा है तो अभी साफ सुथरा भी सामने बगल में नहीं हुआ है, बट बाद में कर दिया जाएगा। मंदिर श्री राघव मंदिर अखाड़ा उदरदास जी। ठीक है, समाधि स्थल ग्राम
रहवासी जिला सीतामढ़ी बिहार की काशी कुटिया। ये एक अंदर मंदिर है, अभी बाद में चलेंगे। तो वीडियो मेरी मित्रों तीन पार्ट में अपलोड करूंगा या दो पार्ट में अपलोड करूंगा, क्योंकि एक पार्ट में अपलोड करूंगा तो ज़्यादा बड़ा होगा और आपको पसंद नहीं आएगा, तो वीडियो को तीन पार्ट में अपलोड करूंगा मैं या दो पार्ट में। अस्सी घूमने का मज़ा तब है जब मौसम ठीक हो ठंडी के समय में और घाटों में पानी बहुत अधिक ना लगा हो तब, और अभी तो बहुत काफ़ी है, चैन टूटा हुआ है घाटों का एक दूसरे से। हेलो मित्रों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुष्कर कुंड, तो श्री रामेश्वर महादेव मंदिर। तो आइए एक बार चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। तो मैं तो कभी गया नहीं हूँ, बट रास्ते में ऐसा देखा मिल गया, पढ़ा उसको, मैंने कहा चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या है, कैसा है, क्या नज़ारा है, कैसी प्रभु की मंदिर है सभी कुछ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुंड है और यहाँ इस कुंड में लोग स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन इस कुंड में काफ़ी जो है कि पेड़ पौधे हैं, तो इसका एक बार साफ सफाई करवाना चाहिए। यहाँ के जो गवर्नमेंट है, तो मतलब जिला अधिकारी है, जो कुछ भी जिसके अंडर में आता है पोखरा ये कुंड, तो उसको साफ सफाई करवाना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, तो स्नान कर रहे हैं तो इनके लिए यहाँ पे साफ सफाइयाँ होनी ज़रूरी है। और यहाँ पे जो अभी मंदिर था, तो मंदिर भी आपको दिखाई देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री रामेश्वर महादेव मंदिर। देख लीजिए ये बैक कैमरा से श्री रामेश्वर महादेव मंदिर है। हेलो मित्रों, तो आप सभी को एक बहुत बड़ी बात बतलाने वाला हूँ। आज मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और ये महाराज से पता चला, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ महाराज हैं। तो ये जो मंदिर है श्री रामेश्वर महादेव मंदिर, के ऊपर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, जो कि आपका 80 घाट के साइड में है। इसी मंदिर पे हमारे तुलसीदास जी जो है कि रामायण लिखे थे, और ये आज मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ इस चीज़ को जानकर कि वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस संस्कृत में जो लिखा हुआ था उसका अनुवाद न बाबा करते महाराज। कुछ कहना चाहेंगे आप इस मंदिर के बारे में, कुछ बतलाएं आप लोगों को, अवगत कराएं जिससे लोग भी यहाँ पे। हाँ महाराज, अपना परिचय दें, आपका नाम महाराज। और मेरा नाम संतोष पुजारी है। संतोष पुजारी महाराज। अच्छा महाराज, मैं यहाँ 30-40 सालों से हूँ। कितने सालों से महाराज? 30-40 सालों से। 30-40 सालों से। तो महाराज आपकी एज क्या है महाराज? 56 वर्ष। 56 वर्ष है क्या? आपको देख के लग रहा है कि महाराज 56 वर्ष के होंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहे हैं ये 38 या 40 के। हाँ महाराज, 26 साल से कई चाय पीता हूँ, भोजन नहीं करता हूँ। महाराज हम आपसे बैठ के बात करना चाहेंगे। ठीक है भाई, बस थोड़ा सा। तो महाराज ये बता रहे हैं कि बस चाय पी करके, महाराज बस सिर्फ चाय पीते हैं और कुछ भी नहीं महाराज? साथ में रहो। 27 साल से महाराज यहाँ पे सिर्फ चाय पीते हैं, तो बहुत ही आश्चर्य हूँ कि सोचिए 27 साल से मतलब नमक नहीं खाते हैं, मतलब सिर्फ महाराज की क्या महाराज आपकी भोजन में, जैसे कि आप कुछ भी नहीं, चाय और पीते हैं, चिलम पीते हैं। अच्छा, चाय और चिलम। कोई आ गया फल फूल का तो नहीं कि सब खा जाए फले। हाँ, ये तो खाते हैं तो मान चलो बुरा पेट भर गया। अच्छा, एक फल खा लिए तो पूरा पेट भर गया? इच्छा नहीं करता, रखते सब बांट देते हैं। तो ये महाराज एक आश्चर्य वाली बात है, और आपसे एक दिन हम जरूर मुलाकात करेंगे महाराज।